उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस वक्त भी लोग दहशत में हैं। गांव में लोग डरे हुए हैं, डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीम जाल और पिंजरा लगाकर बैठी हुई है। पुलिस भी हथियारों के साथ गश्ती में है, क्योंकि असली आदमखोर और उसका एक साथी अभी भी शिकंजे में नहीं आया है। इनमें जो सबसे खतरनाक है, उसका एक पैर खराब है। इसी लंगड़े भेड़िए ने पहली बार बच्चे को उठाया था और झुंड को इंसानी खून का स्वाद चखाया था, जिसके बाद झुंड के सभी भेड़िए आदमखोर बन गए। चार आदमखोर भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन असली शातिर और उसका साथी बचा हुआ है, जिसको पकड़ा जाना बाकी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। इस वक्त बहराइच में क्या हो रहा है, कैसी हलचल है, सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। 45 दिन, 35 गांव, 32 टीम, 38 अटैक, 9 मौत, 26 घायल, 6 आदमखोर, 4 आदमखोर पकड़े गए, 2 आदमखोर अभी बाकी हैं। बहराइच के 300 किलोमीटर के दायरे में जब रात होती है तो लोग यही कहते हैं, घर के भीतर चले जाओ, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा, मार कर खा जाएगा। आतंक साहब 2 महीना से ज्यादा है। हाँ, कई बच्चे ने कहा खा ली से, और दहशत काफी है। रात भर जागा जाता है, लड़का बच्चा तो बचाए कहाँ रखा जाता है। अरे डर बहुत काफी है। अब कुछ पकड़े गए हैं तो राहत कुछ है, लेकिन अभी है वो कुछ लगातार। किस तरह कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई मतलब आज कई रात से काफी फोर्स कतरी लंबी पकड़, सारा दिन जाल लगावत है, लगावत है, करघरा सब पकड़े गए थे, सारा दिन हकवर लाग गए। दिने दिन काम होत है, रात में सब लड़के बंदरों बचावा जाते है। हाँ, घर के अंदर सब राहत है, जागा जाता है, रात भर पहरा लागत है। हाँ, रात भर बहुत सुरक्षा है, निगरानी बहुत सतर्कता है, रात में लोग देखते भी है। कितने लोग को मार दिया गया अब तक? लगभग 8 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है, 15 से 16 लोग घायल भी। आतंक बराबर आतंक का माहौल बना। अनजाने खतरे की दहशत बहराइच के 300 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 70,000 लोगों के भीतर बैठ गई है। बहुत डर लगता है। ये हमला शाम को करता है, वही करीब 9 बजे करीब, सुबह 4 बजे हमला करता है, फिर अपने स्थान पर जाता है, फिर शाम को 24 घंटे में शाम को आता है और सुबह 4 बजे। डर तो बहुत है सरकार, लेकिन कहाँ करा जाए वाले, हर बात की ना आई है। डर डर देखा जाए तो पेट काट डाला जाए। कैसे सुरक्षा कर रहे अपने अपने परिवार की आप लोग? करित का आप दिन भर काम करे थे, संजय का आराम से सबको बटोरी का अपन परिवार सुधा पहुड़े बैठे थे तैयार से, नहीं कहा होता है। ये डर यूं ही नहीं है, डर की वजह भी है। रात्रि में सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहे। ये आदमखोर भेड़िए चुपचाप आते हैं, जब तक उनको पकड़ने जाते हैं वो बच्चों को उठा ले जाते हैं। अब तक 8 बच्चे और 1 महिला को निवाला बना चुके हैं ये आदमखोर। अंदर से कूदा कि इथिर गिरा, जले दौरी दौरी अंदर से तले इथिर से ती आट गवा हूँ। लेके चला गया बच्चे को? हाँ, अब बस गला काट दे हिस्सा है, तब ये कुल गला काट दे हिस्सा है, इथिर के थोड़ा मतलब मांस निकाल दे हिस्सा है। घर में घुस गया था और पकड़ा है और लेकर चला गया गन्ना में और गला काट दिया। 6 भेड़ियों में 4 पकड़े गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि असली आदमखोर अभी बाकी है, जिसे झुंड का मुखिया कहा जा रहा है, जो लंगड़ा है और उसका एक साथी भी अभी बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये लंगड़ा भेड़िया अपने साथियों को न देखकर सबसे ज्यादा आक्रामक हो गया है। 3 पैर वाले भेड़िए को किसी का खौफ नहीं है, यही सबसे बड़ा आदमखोर है। लंगड़े भेड़िए ने ही सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। लंगड़ा भेड़िया
इस कदर खतरनाक हो चुका है कि माओं की गोद से बच्चों को खींचकर ले जा रहा है। वन विभाग को 3 पैर वाले भेड़िए के फुटप्रिंट मिले हैं। ड्रोन कैमरे में उसकी हरकत कैद हो गई है। वन विभाग की पूरी टीम लंगड़े भेड़िए को पकड़ने में जुटी है, लेकिन वो इतना शातिर है, इतना चालाक है कि ड्रोन, जाल, पिंजरा, ट्रैंक्लाइजर सबको चकमा दे दे रहा है। इसीलिए चुनौती बड़ी हो गई है। कार्रवाई अच्छी चल रही है, लेकिन हफ्ते में एक पकड़ा जाता है, 4 अभी पकड़ चुके हैं आज तक लेकर। ये झुंड 8 का था, अभी 4 बाकी है। एक उसमें का एक पांव का स्पायर है उसका पांव। डर बना रहता है, रात में हम लोग जागते रहते हैं। अच्छा। हाँ, लाठी और भाला बल्छी लेके घूमते रहते हैं। विधायक भी हमारे जो हैं वो भी इधर ही घूमते रहते हैं। तो अभी किसी को दिख पाया गांव के आसपास दोबारा वो या दौड़ा? वो आता है सर। अच्छा। हाँ, वो आता है, हर रोज आता है। किस समय के आसपास आता है? वही आता है, कहीं 12 बजे आ गया, कहीं 4 बजे आ गया। आदमखोर भेड़िये को पकड़ने के लिए बहराइच के गांव में 32 टीमें लगाई गई हैं। बहराइच, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी में टीमों ने जाल बिछाया है। वन विभाग ने 4 भेड़िये पकड़ लिए हैं और उनका अंदाजा है कि ये 6 भेड़िये ही पूरे इलाके में दहशत फैला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कयास भर है। जिस तरह से ये भेड़िये आदमखोर हो गए हैं, जिस तरह से लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, आशंका इस बात की है कि आदमखोर भेड़ियों की ये गिनती 2 दर्जन तक हो सकती है। यानी ये बात अभी तक साफ नहीं है कि असल में कितने भेड़िये इस झुंड में हैं और कितने भेड़िये इंसानी बस्तियों में घुसकर वहां शिकार तलाश रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन और वन विभाग के 200 लोगों की टीम जुटी हुई है। गाँव के लोग झुंड बनाकर रात रात भर पहरा दे रहे हैं। ड्रोन में थर्मल कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रशासन गांव-गांव में घूमकर अपील करवा रहा है कि रात में लोग घरों से बाहर न निकलें, और बाहर निकलें तो सावधान रहें, और घर में बिजली ना हो तो छतों पर ना सोएं। भैया, हम सब डरे थे, बहुत है, हम बहुत डरे थे, भेड़िया आवत हैं तो। कैसे फिर सुरक्षा करती, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं आपके घर परिवार के लोग? हाँ, तो पल्लक भीतर रहा जाता है। हाँ, पल्लक भीतर रहा जाता है, डर कर मारे का करी। अब तो अंधेरा हो रहा है। हाँ, कितना डर है? अब तो बहुत डर है कि जल्दी जल्दी घर अंट गई। नान नान लड़का है घरे, और जल्दी जल्दी हम अट गई उतना ठीक है, पीछे आए न जाए पकड़ लिए। किस विभाग के हैं आप? वन विभाग। अच्छा, तो किस तरीके से निगरानी बनाए आप लोग? वो तो हम लोग पहुँचे हैं जब पकड़ गए थे वो। अब जाल लगने जा रहा है, देखो फिर आ जाएगा तो आ जाएगा नहीं तो फिर क्या स्थिति होगी? किस तरह तैयारी आप लोग पकड़ने की है? पकड़ने तैयारी है। कितने लोगों को पकड़ लिया आप लोग? 4 पकड़े गए। अच्छा। 3 एक बार। आदमखोर लंगड़ा भेड़िया कितना बड़ा चैलेंज है उसको समझना है तो 4th भेड़िये को वन विभाग ने कैसे पकड़ा, उस पूरे ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4th आदमखोर जब ड्रोन कैमरे की रडार पर आया तो वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन ऑन कर दिया। जहां वो देखा गया वहां पहले पटाखे लगाकर एक गलियारा बनाया गया। जैसे ही ये भेड़िया वहां पहुंचा, पटाखे जलाए गए, बचने के लिए उसी रूट पर भागा जहां वन विभाग की टीम तैयार खड़ी थी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के ऊपर जाल फेंका, जैसे ही ये नीचे गिरा बांस की बल्लियां लगी जाल को दबा दिया गया। टीम के डॉक्टर ने भेड़िये को ट्रैंकुलाइज किया और पिंजरे में इसे डाल दिया गया। 4th भेड़िये की उम्र करीब 5 साल है। वन विभाग की टीम ने डीएनए सैंपल ले लिया है। डीएनए जांच से कई बातों का खुलासा होगा। देखिए, आज का दिन बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे कि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती 3 पैर वाला आदमखोर है। ये क्यों पकड़ने वाली टीम के लिए चैलेंज है वो भी जान लीजिए। दरअसल 3 पैर वाला भेड़िया
जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड का ये लीडर है। भेड़िया कभी अकेला नहीं रहता, ये हमेशा 6 या 10 या 20 के ग्रुप में रहते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में पैक कहा जाता है। हर पैक का लीडर एक अल्फा जोड़ी करती है, यानी एक नर और एक मादा। इन दोनों का काम होता है ग्रुप को लीड करना और शिकार में सबसे आगे रहना। तो सवाल है कि क्या असली आदमखोर जोड़ी अभी बची हुई है? ये वो सवाल है जो भेड़िया पकड़ने वाली टीम को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। एक थर्मल सेंसर लगा है, जो नॉर्मल सेंसर भी लगा होगा और थर्मल सेंसर भी है, तो हमको दिन में सुविधा बहुत होता है कि थर्मल से कैच कर लिए कि एग्जैक्ट एनिमल है कहाँ, क्योंकि एनिमल के एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर कैच करता है। और विजुअल में हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा एनिमल है। जैसे कि उल्फ में प्रॉब्लम यह आता है कि डॉग, फॉक्स, उल्फ एक साथ, मतलब एक ही प्रजाति के है, तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिन में करें तो वो वाला हमको दिख जाता है क्योंकि विजुअल मिलता है। रात को उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त 70,000 लोगों को आदमखोर से बचाने की है, लिहाजा सारे सेफ्टी मेजर लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सेफ्टी को प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है, हर संभव मदद देने की बात कही है। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, पुलिस भी खेत के किनारों पर गश्त लगा रही है। लेकिन चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए की इस जोड़ी को इंसानी खून लग चुका है। जैसे जैसे शाम ढलेगी खतरा और भी बढ़ेगा। आदमखोर भेड़िए और हिंसक हो सकते हैं। लंगड़े भेड़िए ने बच्चे को आसान शिकार बनाया, झुंड के दूसरे भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून का स्वाद लगा। इंसानी खून की वजह से दूसरे भेड़िए भी आदमखोर हो गए। खासकर ये आदमखोर बच्चों को ही खोज रहे हैं। पिछले कई घंटों से कोई इंसानी शिकार इन्हें नहीं मिला है। शिकार की तलाश में ये गांव में आ सकते हैं। रात में भेड़िए शिकार करते हैं, इसलिए इनको ट्रेस करना चुनौती है। चुनौती इस बात की भी है कि आदमखोर 2 से कहीं ज्यादा तो नहीं है। अब कल देखा जाएगा भाई, आज तो कुछ नहीं है। एक अंधेरे में कुछ हो नहीं पाई। अच्छा, दिन में सुबह से शुरुआत फिर हो जी। पिंजड़ा लगा है, पिंजड़े में आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कल फिर लगाया जाएगा। ये सुबह से फिर आप जी जी। कितने लोग इस पूरे काम में लगते हैं, ऑपरेशन? अरे ऑपरेशन में 20-25 लोग रहते हैं जी। बाहर की टीम भी रहती है, पुलिस भी रहती है। हालांकि वन विभाग को आदमखोर से छुटकारा पाने की उम्मीद है, क्योंकि वन विभाग ने आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसी प्लान के जरिए 4 आदमखोर पकड़े भी गए हैं। आदमखोर भेड़िया प्रभावित गांव में हाथी के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी गंध से हाथी की मौजूदगी का एहसास हो और भेड़िए आबादी से दूर रहें। आदमखोर भेड़ियों की गतिविधि फुटमार्क की जांच की जा रही है। हाईटेक ड्रोन भी मंगवाया गया है, जाल पिंजरे जगह जगह लगाए गए हैं। अंधेरा हो रहा तो ड्रोन चल नहीं पा रहा हमारा, और हम लोग जो आगे अभी केज लगा रहे हैं जी। जो काम चल रहा है उनको क्या परिवार को क्या निर्देश दे रहे हैं? या वो घर के अंदर सोएं और बाहर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जागते रहें, अपना कहते रहें। अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, DM साहब, SP साहब और वन विभाग की तरफ से। कितनी तैयारी चल रही है इस समय? आप तो अब लगातार चल रहा है, शुरू हो गया, अब शाम हो गया, 6 बजे बज गए हैं, तो अब लगातार ही चल रहा है। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी टीम आदमखोरों को पकड़ने में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाई? उसकी वजह भेड़ियों की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति है। भेड़ियों को चालाक और खूंखार स्वभाव का जाना जाता है, जो उन्हें जंगल का बड़ा और खतरनाक शिकारी बनाता है। मजबूत जबड़ों और मजबूत मांसपेशियों से खतरनाक बन जाता है। आम भेड़ियों की लंबाई लगभग 4 से 6 फीट तक हो सकती है। भेड़ियों का वजन 30 से 80 किलो तक का हो सकता है। कुत्तों की तरह भेड़ियों की सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से शिकार खोजने और झुंड से कनेक्ट करने में उन्हें मदद मिलती है। अच्छा, कितने लोग इसमें अभी तक बच्चे खा चुका है और उसके कितने लोग इसमें? अब जान लो 1, 2, 3, 4, 5 यानी इतनी जो है 5 बचन का खाए। 8 लोग और आगे 5 इथिर पे है और 3 आगे, यानी सत्य है 8 लोगों के लड़कन खाई। सरकारी टीम है,
वो बहुत ध्यान दे काम कर रहे। हाँ कोई दिक्कत ना है, बहुत प्रयास किए हैं हर दम पकड़े के लिए, रात सारी रात प्रयास करते हैं, दिन में भी प्रयास करते हैं, टीम की बहुत व्यवस्था अच्छी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती तीन पैर वाला लंगड़ा भेड़िया बना हुआ है, जो सबसे पहले आदमखोर बना, और माना जा रहा है कि बची हुई आदमखोर जोड़ी जब पकड़ी जाएगी तभी आदमखोर के आतंक का अंत होगा।